आज तो हम बात कर रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स की, जिनमें है कितनी सारी वैरायटी, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस, और उसी तरह है हमारी इस अगली स्टोरी में एंटरटेनमेंट की वैरायटी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे। का गरबा रास, नवरात्रि से पहले गरबे की तैयारी, अल्पनासन प्री गरबा सेशन, जल्द ही नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। माँ लक्ष्मी विराजेंगी और सभी लोग नाच गा कर उनका स्वागत करेंगे और करेंगे गरबा रास। भाई ये 9 दिन सभी के लिए सेलिब्रेशन टाइम होता है, जहाँ देवी माँ की पूजा अर्चना के साथ साथ गरबा डांस भी होता है। सब एकजुट होते हैं, एक दूसरे की ताल से ताल मिलाते हैं और मनाते हैं खुशियाँ। भाई गरबे के लिए कॉम्पिटिशन भी होते हैं और लोग फुल तैयारी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। और गुजराती इसके लिए तो गरबा काफी स्पेशल होता है। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल अनुपमा की बा यानी कि अल्पना के पास, जहां वो कर रही हैं गरबा रास की तैयारियां। जी हां, वो पहुंच गई है इस वर्कशॉप में जहां हो रहा है प्री गरबा, मतलब गरबे की तैयारी। भाई इस वर्कशॉप में सिखाया जाता है कैसे गरबा करें, क्या क्या स्टेप्स अपनाएं, और सब मिलकर एक साथ डांस प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम भी अल्पना संग चलते हैं इस वर्कशॉप में। पैकअप हुआ है, मैं शूट से यहाँ आई हूँ, और हर साल मैं अगर शूट पे रहती हूँ तो शूट पे या घर से आना हो तो, पर मैं यहाँ पे एक गरबा वर्कशॉप होता है जो प्री गरबा वर्कशॉप जैसे कहा जाता है, जहाँ पे हम वार्म अप अपने आप को करते हैं ताकि बाकी आने वाले हमारे जो नवरात्रि के जो दिन है 10 दिन इंक्लूडिंग दशहरा, उसमें हम झूम के खेलें। तो वो स्टेमिना लाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं। तो अभी हम अंदर ये वर्कशॉप में जाते हैं, गरबा वर्कशॉप है। हर साल यहाँ पे वो लोग छोटे से लेके बहुत 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 बड़ी उम्र के लोगों को वो गरबा सिखाते हैं, यानी जिनको कुछ भी ना आता हो उनको भी गरबा सीखना आ जाता है, और हम झूमते हैं, नाचते हैं। और हाँ, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत सारे प्राइजेस भी मिलते हैं क्योंकि वो गरबा कॉम्पिटिशन में पार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम अंदर जाते हैं और गरबा वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं। तो भाई गरबा प्रैक्टिस करने से पहले करते हैं देवी माँ की आरती। वैसे अल्पना और उनकी ये साथीदार बता रही हैं नवरात्रि का महत्व भी। जी हाँ, तो हम एंटर कर चुके हैं मेरे ये गरबा वर्कशॉप में, जिसका नाम है प्रणव गरबा वर्कशॉप। और हर साल में यहाँ पे गरबा यानी कि नवरात्रि के 9 दिन पहले अपने आप को वार्म अप करने के लिए आती हूँ। और बहुत अच्छी बात यह है कि वर्कशॉप शुरू होने से पहले यहाँ पे हम माता जी की आरती करते हैं, उन्हें आह्वान देते हैं कि आप आइए और हमारे साथ इस गरबे में हमारा साथ दीजिए। जहाँ जहाँ गरबे गरबा और रास होता है वहाँ पे माता जी अपने आप स्वयं पधारती है, ऐसा हम मानते हैं, और इसीलिए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। ये मेरी दोस्त है और साथ में मेरी गुरु भी है, पुनीता,
और यही ये जो हमारा जो ये प्रणव गरबा वर्कशॉप है वो चलाती है, और हर साल यहाँ पे इतनी आप देख सकते हो कि इतनी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। और हाँ, इनके वर्कशॉप का एक ये भी एक बहुत ही एक बात है कि प्राइज़ विनर है। अगर आपको कंपटीशन में पार्ट लेना है, प्राइजेस लेने हैं, तो डेफिनेटली इस वर्कशॉप में आना। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है और हर एक स्टेप्स दिल से करते हैं, बहुत स्ट्रेंथ लगता है स्टेप्स करने। गरबा यानी माता जी का जो ये पॉट रहता है, जो गरबा, उसको गरबा बोलते हैं। ये गर्भ, तो ये गर्भ है और गर्भ के अंदर जो लाइट रहती है वो जीव है, लाइफ है। तो माता जी एक लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ का प्रतीक है। तो हम लोग सर्कल में इसलिए गरबा लेते हैं कि वो बर्थ एंड डेथ का पूरा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। भाई पूजा कर शुभारंभ तो हो गया, अब बारी गरबा प्रैक्टिस की। भाई छोटे बच्चे हो या हो बड़े बूढ़े, यहाँ हर कोई आता है गरबा प्रैक्टिस करने के लिए और सब साथ मिलकर एक दूसरे की ताल से ताल मिलाते हैं।
एक्चुअली ना ये बहुत रिफ्रेशिंग होता है जहाँ जहाँ गरबे होते हैं ना, आप देखो तो एक अपने आप ही एक पॉजिटिव एनर्जी का आपको एहसास होगा और इट इज़ देयर। आप अगर ग्राउंड में खेल रहे हो, अभी तो हम हॉल में सिर्फ यहाँ पे एक छोटे से जगह पे वर्कशॉप के दरमियान ही हम गरबा खेल रहे हैं, पर अगर आप बाहर जब हम नवरात्रि में खेलते हैं तो हज़ारों में लोग होते हैं और हज़ारों में एक साथ लोग जब गरबा करते हैं तो वो एक जो अपनी जो ताली होती है ना जिससे हम गरबा कर, उसकी एक गूंज होती है, वो गूंज के साथ साथ हमारे जो स्टेप्स होते हैं और साथ में गरबा जो सिंगर गाता है तो उनसे लिटरली पता चलता है कि यह समवेयर यहाँ माता जी खुद अंबे माँ प्रकट हुई है और वही हमें वो एनर्जी दे रही है। चाहे हम शूटिंग से गए हो, हम ऑफिस का काम करके गए हो, पर दो घंटा जब हम खेलते हैं ना तो बस। और ये पूरे साल में 9 दिन ऐसे होते हैं कि पता नहीं कहाँ से हमारे में एक एनर्जी आ जाती है। हमारे कभी कभी घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, पर ये 9 दिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। प्रैक्टिस तो हो गई, तो अब अल्पना और उनकी इस मंडली से जानते हैं इनके फ्री गरबा सेशन के बारे में, साथ ही साथ नवरात्रि इनके लिए कितने खास होते हैं। बस थोड़े ही दिन बाकी है, हम गरबा खेलने जाएंगे। आई होप कि मेरी शूटिंग जल्दी ख़त्म हो जाए, पर जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन तो स्टार्टिंग का पहले गरबे से लेकर लास्ट तक मैं खेलूँगी। यानी एक दिन मिला तो एक दिन उसमें मैं पूरे साल की भड़ास निकाल देती हूँ। यहाँ पे कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस होती है, ये एक प्रैक्टिस होती है, वार्म अप होता है। किसी किसी को यहाँ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी गरबे ना किए हो या गुजराती भी ना हो, तो वो लोग यहाँ आके सीखते हैं, तो क्या होता है एक ग्रेस, एक लय मिल जाता है जो गरबे में बहुत ज़रूरी होता है। गरबा तो ऐसा है कि बहुत सारी यादें जुड़ी होती है हर गुजरातियों की गरबे के साथ। कई रिश्ते गरबे में बनते हैं, लड़कियां लड़के मिलते हैं, प्यार हो जाता है, शादियां होती है, उनके बच्चों के साथ वो गरबा खेलने आते हैं। तो एक है कि कॉलेज से लेके आज तक मैंने एक भी साल ऐसा नहीं है कि मैं नवरात्रि में गरबा खेलने नहीं गई हूँ। ये हमारे हर गुजराती का एक ऐसा कहा जाए ना कि अंदर से एक कमिटमेंट है एक ये फेस्टिवल से कि कहीं भी हम गरबा होता है वहाँ हम खेलने जाते ही जाते हैं, चाहे 9 में से 1 दिन तो 1 दिन पर जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, काफ़ी महीनों पहले से प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ पुनीता मिस के वहाँ आते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। गुजरात से मंगवाया है, यस। सो जब ये स्पिन करते हैं और ये घूमता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और वो फील आता है खेलने का, दैट्स व्हाई वी वेयर अ कॉस्ट्यूम। गुजरात की बात अलग होती है, सबसे पहले तो टाइम परमिट, यहाँ पे गरबा जब ख़त्म हो जाता है तब वहाँ गरबे शुरू होते हैं, तो एक ये भी बात है कि बिकॉज बॉम्बे में है तो एक बहुत दुख की बात है कि हमें 10 बजे गरबा ख़त्म कर देना पड़ता है। लोग ट्रैफिक में अपने ऑफिस से काम से घर पहुँचते हैं और तुरंत ही गरबा के लिए निकलते हैं, तो
शायद एक घंटा भी खेलने मिलता होगा। सैटरडे संडे 12 बजे की लिमिट है, तो उसमें हम एंजॉय करते हैं। पर गुजरात की बात अलग है। गुजरात का ऐसा है कि हर गली, हर मोहल्ला, हर बिल्डिंग, हर चौराहा या फिर कोई बड़े बड़े ग्राउंड में प्रोफेशनल नवरात्रियाँ भी होती है। तो अगर आप ना भी जा पाओ कमर्शियल नवरात्रि में, तो आप अपने मोहल्ले में या अपने अपने जो आसपास के एरिया में अच्छी तरह से आप गरबा खेल सकते हो। तो वहाँ की बात ही अलग होती है, क्योंकि वो हमारा गुजरात का कल्चर है, गुजरात का फेस्टिवल है, तो एक अलग रूप से उसे मनाया जाता है। किचन में तैयारियां में तो इस बार मैंने सोचा है कि अगर शूटिंग से मुझे वक्त मिला, थोड़ा बहुत माँ अम्बा की कृपा रही, तो मैं फास्ट भी कर रखने वाली हूँ। लेट्स सी, क्योंकि शाम को फिर गरबा खेलना है तो वो एनर्जी भी तो चाहिए, तो मैं फास्ट रखूँगी। हमारे में ये जो मिट्टी का जो गर्भदीप आपने देखा, उस तरह से हम घर में लेकर आते हैं और दो वक्त आरती होती है और माँ को अच्छे अच्छे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ये बहुत प्रचलित गरबा है और हर गुजरात के हर शहर में या मोहल्ले में ये गरबा पहले गाया जाता है और वहीं से गरबे की शुरुआत होती है। और माता की भक्ति का स्वरूप है ये गरबा, तो आज हम साथ मिल के गाएंगे। घोर अंधारी रे रात लड़ी माँ निसर्या चार असवार, घोर अंधारी रे रात लड़ी माँ निसर्या चार असवार, अम्बा मावड़ी रे प्यारे चढ़ा माँ सोड़ सही सणगार, रात लड़ी माँ निसरा चर असवा, दारी रे रात लड़ी निसरा चर असवा, अम्बे मात की जय। तो जल्द ही नवरात्रि आने वाली है, ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि आप भी कर दीजिए गरबारास की प्रैक्टिस शुरू और इस त्योहार को धूमधाम से मनाइए। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो घुमाते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट वाला ब्लेंडर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।